शीट नंबर 41 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, थर्ड में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द वायर ऑफ लेंथ गिवन प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर। तो ये रहा आपका सोलेनोइड, तो आपको क्या बताना है कि एक लेंथ है 0.04 मीटर की, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट्स एक्सिस। तो ये लेंथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्सिस के साथ, तो लेंथ यानी कि ये है ऐसे, एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो वायर कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.25 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट। देखो इस क्वेश्चन में एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड, ये जो सोलेनोइड है इसके एक्सिस के ऊपर बी की वैल्यू कितनी गिवन है 0.25 टेस्ला गिवन है। इसके ऊपर एक वायर है ऐसी जिसमें खुद का करंट है 12 एम्पियर और इनके बीच में एंगल क्या है 30 डिग्री, तो इसके अंदर फोर्स की वैल्यू क्या होगी बी आई एल साइन 30। तो बी पता है, आई पता है, लेंथ पता है, साइन 30 पता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, 5 में स्ट्रेट वायर 1 मीटर लॉन्ग कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फाइंड मैकेनिकल फोर्स ऑन द वायर एंड पावर रिक्वायर्ड टू मूव इट 15 मीटर पर सेकेंड। तो 10 एम्पियर का करंट है, ये बी गिवन है, ये एल गिवन है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो बहुत ही क्लियर है बी आई एल साइन 90। तो फोर्स तो आप निकाल ही लो, जो पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्योंकि हमने प्लस वन में किया था पावर वर्क डन बाय टाइम होता है और वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक्स अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी होती है, तो एफ इनटू वी पावर है। तो याद रखना पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स फर्स्ट पार्ट में आ गया, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो आंसर। अब वैसे डॉट होता है, लेकिन फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो कॉस जीरो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मिस प्रिंट है, ये क्वेश्चन गलत है, वैसे इसका सही वर्जन बता देता हूं। आपको एक वायर गिवन है, ये वायर है जिसमें आई करंट है, आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जो कि मान लो बोर्ड के अंदर है, वायर टेढ़ी है, तो ये वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और इसके अंदर ये एंगल 30 डिग्री भी गिवन है, तो आपको इसमें ये बताना है कि वायर हवा में स्टेशनरी रहे। अब वायर हवा में स्टेशनरी कैसे रह सकती है, इसका वेट इसे नीचे गिरेगा और ऊपर की तरफ क्या लगनी चाहिए फोर्स बी आई एल वाली, तो अगर ये इक्वल हो जाए तो आंसर जो पूछा निकल जाएगा। और प्रॉब्लम यह है कि करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो बी बोर्ड के अंदर है, फर्स्ट फिंगर बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगी इधर, तो फोर्स इसके वायर के परपेंडिकुलर है, ये 30 तो 90 माइनस 30 तो ये 30, तो फोर्स का एक कॉम्पोनेंट आएगा एफ कॉस 30 जो इसको क्या करेगा बैलेंस। तो इस क्वेश्चन में एफ कॉस 30 की वैल्यू एम जी को बैलेंस करेगी और एफ होता है बी आई एल, cos 30 इज इक्वल टू mg को बैलेंस करेगी। इस क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ निकालना है, ये मास है ये लेंथ है, तो इन्हें डिवाइड करके क्या जाएगा bi cos of 30 डिवाइडेड बाय g। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, कौन सा 7th में डाउट, हॉरिजॉन्टल वायर 0.1 मीटर लॉन्ग कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर, तो ये लेंथ गिवन है 0.1 मीटर और करंट गिवन है 5 एम्पीयर, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। ये मास सही गलत है, तो इसमें ये वेट है और ये फोर्स है, नो डाउट फोर्स की वैल्यू यहां पर क्या पुट करेंगे बी आई एल साइन 90 राइट। तो यहां से सॉल्व करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड 90 ही होगा तभी तो फोर्स परपेंडिकुलर आएगी,
अगर नहीं होगा फोर्स टेढ़ी हो जाएगी तो बैलेंस कैसे करेगी, इसलिए स्ट्रेट वे 90 लेना पड़ेगा। एट्थ, एट्थ में कंडक्टर लेंथ गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, 100 ओरिएस्टेड, वैसे ओरिएस्टेड इसमें गलत किया हुआ है, 10^-4 टेस्ला होता है, एक ओरिएस्टेड 10^-4 टेस्ला, टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ता है। चार्ज गिवन है 5 कूलम, 5 सेकेंड में पास हो रहा है, चार्ज और टाइम पता है तो करंट आ गया, फोर्स निकालो BIL sin 90, डन। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, 10 में करंट 5 एम्पियर का एग्जिस्ट इन अ लूप, तो यहां पर 5 एम्पियर का करंट है जो ऐसे जा रहा है। वायर ए बी की लंबाई एल आपको गिवन है 50 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा फोर्स का, एफ इज इक्वल टू BIL sin 90, बी पता है, आई पता है, लेंथ पता है, साइन 90, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 11 में हॉरिजॉन्टल वायर 0.1 मीटर लॉन्ग है, मास गिवन, तो मास यानी कि वेट गिवन है 3×10^-3 kg और लेंथ क्या गिवन है 0.1 मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो 30 डिग्री पे एक्ट करेगा, तो बी वेक्टर 30 डिग्री पे एक्ट करेगा, आपको बी बताना है, तो ऑर्डर द सपोर्ट जो इसको सपोर्ट करे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वायर है, फोर्स कहाँ लगेगी इसके ऊपर, फोर्स कैसे लगाएं, राइट वो रूल यूज करना पड़ेगा, कैसे, एल क्रॉस बी, ये एल वेक्टर है, ये क्रॉस बी, तो फोर्स कहां पर आ रही है, बोर्ड के बाहर, फिर सपोर्ट कैसे करेगी इसमें, अच्छा बी वेक्टर मैंने बोर्ड के ऊपर बनाया है, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर 30 डिग्री भी कर लो ना, अगर मान लो बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है और लेंथ इधर है, तो एल क्रॉस बी ऊपर, फिर ऊपर आएगी, तो ऊपर क्या आएगी, BIL sin 30 = mg, आंसर तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि बी वेक्टर की डायरेक्शन तो गिवन नहीं है, हमने ड्रॉ करनी है, तो अगर बी वेक्टर को बोर्ड के अंदर करेंगे तो फोर्स ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 तो कर लिया था हमने शीट में,